अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईएनई टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जनाब कौसर मोइन साहब। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए जो साबिका में 2016 और 17 के सेशन के अंदर इसी हाउस के अंदर जो हैदराबाद शहर के अंदर निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स जो एक सर्विसमैन है जो शहर हैदराबाद के अंदर 5 जगह पर है और जो साबिका वज़ीरे दाखिला जो थे हमारे उनके पीरियड में राज शेखर साहब के पीरियड में एक जियो रिलीज किया गया था उस क्वार्टर्स को रेगुलराइज कर और गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए, मगर 2012 या 13 के दरमियान में वो जियो को कैंसिल कर जो रेगुलराइज हो रहे थे उस क्वार्टर्स को रजिस्ट्री करने से रोक दिया गया। और इसके लिए मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब ने कई मरतबा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को और सीएम साहब से भी मुलाकात कर बताया था और आज वो फाइल हमारी मैं समझता हूँ यहीं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास कहीं पर रुकी हुई है और आपके जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो शहर हैदराबाद के अंदर जो 5 मकामात पर है जो मोहम्मद अली मिलिट्री क्वार्टर्स एसी गार्ड बैडलैंड और ओल्ड सिटी के अंदर जो 2 मकामात पर है और इसके ऊपर वहाँ पर कहीं पर भी मेंटेनेंस का काम करते हैं तो ये आर्मी के लोग आकर काम को रोक दिया जाता है। इवन वाइट वॉश मेंटेनेंस का काम भी नहीं करने देते हैं और ये जो जियोस है वो जियोस को रिलीज करें और मैं समझता हूँ ये रेगुलराइज करने से हमारे तेलंगाना हुकूमत को रेवेन्यू आने के इम्कान है। मैं आपके जरिए हुकूमत को और हमारे जो साबिका रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं उनकी नॉलेज में कम्प्लीट है, मैं उनको भी बता रहा हूँ ये आज तक पेंडिंग रुका हुआ है, आपके जरिए बताना चाह रहा हूँ। मिनिस्टर स्पीकर साहब मोहजीज रुकन असेंबली कौसर मोहद्दीन साहब जो पता है वो नोट कर लिया अध्यक्ष, उस पर गौर किया जाएगा अध्यक्ष। शिवरेगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।